अस्सलाम वालेकुम, फरियाद अली अल-फरीवी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको ख़बर दे रहे हैं कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि 2019 से ज़ेर अल्तवा इम्तहान लिए जाएँ ताकि वो अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकें। मेडिकल कॉलेज की ही तालबा लारा अब्सलाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आपके मुतालबात क्या हैं और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है। जी लारा, बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं और इंतज़ामिया इनको हल करने के लिए क्या कोशिशें बुरवेकार ला रही है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्टूडेंट ऑफ कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज सेकेंड ईयर MBBS लारिब सलाम। एंड आई एम अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट बॉडी KMDC, जहाँ पर हमारे तमाम बैचेस के जो CRs हैं वो इंक्लूडेड हैं, और उन्हीं की कोऑर्डिनेशन के साथ वी हैव ऑर्गेनाइज द होल प्रोटेस्ट एंड होल द होल ऑफ दैट सिनेरियो दैट हैपेंड ऑन 28th ऑफ नवंबर। मसला हमारा ये है कि हमारे एग्ज़ाम्स जो कि 2019 दिसंबर में होने थे, वो ना ही तो जनवरी में, ना फेब में, ना मार्च में हुए, कैंसिल होते गए। और हमारा मसला आ पहुँचा है अब इस नेक्स्ट दिसंबर 2020 तक, मतलब 1 ईयर होल गैप। जबकि हमारे साथ वाले डाओ, जिना, लियारी, बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, भले या फिर गवर्नमेंट है, दे ऑल गॉट देयर ऑल एग्ज़ाम्स डन। उनके तमाम तर एग्ज़ाम्स हुए, उनकी एजुकेशन का बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं हुई कोविड की वजह से। इसके अलावा उनकी ऑनलाइन जो भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस थी वो चली। हमारे आफ्टर मार्च, हमें मार्च तक बोला कि आपकी डेट आ रही है, दिसंबर से मार्च तक नहीं आई, कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, न्यू सेशन स्टार्ट करवा सकते थे, नहीं करवाया। इसके बाद जब हमारी बीच में हमारी हमारे प्रोटेस्ट और बहुत सारे बात करने के बाद उन्होंने 8 बार डेट्स भेजी, और वो सारी की सारी जो डेट्स थी कैंसिल होती गई। ऐसा होता था कि हमें नेक्स्ट डे जिस दिन एग्ज़ाम है जाओ, और आज एग्ज़ाम नहीं है, इस टाइप का सीन। उसके बाद हमारा ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और ना ही हमें नेक्स्ट सेशन पढ़ाया गया। अगर हमें नेक्स्ट सेशन पढ़ा देते तो बहुत ही बहुत ही बहुत सही बात हो जाती, बट नो। लास्ट में हमारा हमने पर्सनली KU को कांटेक्ट किया, वहाँ पर करके हमने अपनी डेट शीट्स वगैरह का अरेंज करवाया। पहले हमारे पास डेट शीट आई, फिर KMDC के पास आई। एंड देयर वाज अ रीज़न कि हम लोगों ने KU में जाके डायरेक्टली बात की VC से, इन सब से, सो दे हेल्प्ड अस, और उन्होंने हमें थोड़ा बहुत इसमें ये कर दिया कि हमें डेट शीट। बट मसला आता है अब KU का। KU और KMDC दोनों एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, वो कहते हैं तुम हमारे एग्ज़ाम वो लेंगे, वो कहते हैं वो हमें डेट नहीं दे रहे। दोनों आपस में ही लड़ते हैं और उनकी लड़ाई में हम पिस रहे हैं। इसके बाद हमारी तमाम तमाम कोशिशों के बाद 26 नवंबर को जो हमारी डेट थी, उसमें हमें बजाय कि हम लोग जो है ये हम अपना एग्ज़ाम देते, हम लोग जो है प्रोटेस्ट पे आए। मतलब ये हमारे साथ सिनारियो हुआ। आज हमारा जो है एग्ज़ाम था और हमें ये करना पड़ा, हमारा फिर लॉकडाउन लगा, कैंसिल हो गया। अब क्या हमारी डिमांड्स ये हैं कि क्या ये हमारा फिज़िकल एग्ज़ाम विद SOPs नहीं ले सकते, जो कि हमारा एक ईयर गैप हो जाए, डबल ईयर गैप हो जाएगा। हमारे एग्ज़ाम्स ले हों, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने, फिर जो हमने वाइवा अपना सेप्टेम्बर 2020 में दिया है, उन्होंने हमसे वाइवाज लिए हैं, उनकी बेस पे ऑनलाइन, मतलब वो तो एक तरह से लाइव बैठ के आमने सामने वाइवा होता है, दैट इज़ आई थिंक मोर ऑथेंटिक, के वो हमारे वाइवाज के मार्क्स साथ में हमारे जो मॉड्यूल थ्योरी हमने दी है उनको कंबाइन करके हमें प्रमोट कर दिया जाए, बजाय कि हमारा साल ज़ाया करना। अगर जो कहते हैं कि हम इस तरह प्रमोट नहीं कर सकते, अरे हमारा साल जा रहा है, हमारी क्रेडिबिलिटी यहाँ कम नहीं हो रहा, लेटर ऑन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एनी हाउस जॉब राइट एट आवर। बहुत बहुत कॉम्पिटिशन होता है, मतलब हम किस तरह से यहाँ पर स्टक है। दो तो तीन तीन साल एक ईयर में अगर गुजारने लग गए तो फिर तो हो गया 10 साल का MBBS। और हमारी डिमांड से ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाओ, सर इसके साथ लोगों वरना हमें प्रमोट कर दिया जाओ ऑन द बेसिस ऑफ वाइवा। और ये डिमांड हमारे KMDC और अथॉरिटीज हैं CM से हमसे है कि प्लीज़ इसके और भी मामला को देखा जाए और आगे भी शोर किया जाए।